आप सभी को जय श्री राधे, श्री हरिदास। हमारी पिछली वीडियो में आपने जाना कैसे भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से जन्म लेकर वामन अवतार में सारी देवताओं को उनका स्वर्ग, उनको वापस का आधिपत्य उनको वापस लौटाया। अत 26वां अध्याय। सूत जी कहते हैं कि भागीरथ के वंश में सौरदास नाम का एक राजा हुआ, जिसका पुत्र मित्रसह था। मित्रसह गुरु वशिष्ठ जी के शाप से राक्षस हो गया, परंतु गंगा जल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ ने जिस कारण से श्राप दिया, सो आप कृपा करके वह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय अति धर्मज्ञ राजा सौरदास कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां पर अनेक मृगों का शिकार किया, फिर भूख तथा प्यास से दुखित हो राजा नदी के तट पर आया। यहाँ पर उसका पुत्र मित्र सह नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं पर बिताई। प्रातःकाल होते ही वहां से उठकर फिर शिकार की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष पर बाण चढ़ाया और उन पर छोड़ दिया। बाण के लगते ही व्याघ्री घायल होकर वहीं पर गिर पड़ी और फिर थोड़ी देर बाद मर गई। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके बड़े क्रोध में आकर कहने लगा कि राजन, तुम मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस अत्यंत दुखित हुआ। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृतांत अपने मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने के पश्चात राजा ने अपने मुनियों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ जी से विधि पूर्वक ब्रह्मादि देवताओं को हवि देकर यज्ञ समाप्त किया। फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में वही राक्षस जिसकी राक्षसी को राजा ने वन में मार दिया था, क्रोधित होकर अपना बदला लेने के वहां पर आया और गुरु वशिष्ठ जी को वहां पर न देख उन्हीं का रूप धारण कर राजा से कहने लगा कि राजन, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वहां से चला गया। फिर उसी राक्षस ने रसोई का रूप रखकर राजा को मनुष्य का मांस पका कर दिया। तब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। तब गुरुजी ने ज्ञान दृष्टि से मनुष्य के मांस का भोजन जान लिया और क्रोधयुक्त होकर राजा को श्राप दिया कि हे राजन, तुमने हमको मनुष्य का मांस खिलाने की चेष्टा की और राक्षसों का भोजन दिया, सो तुम भी राक्षस हो जाओ। तब राजा ने कहा कि हे गुरुदेव, आपके आगे से ही ऐसा भोजन बनवाया गया है। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने ज्ञान दृष्टि से राक्षस द्वारा राजा के छले जाने का संपूर्ण विधान जानकर राजा को बताया। तब राजा ने भी क्रोधित होकर अंजलि में जल ले लिया और कहा कि आपने अकारण मुझको श्राप दिया है, इस कारण मैं भी आपको यही श्राप देता हूँ। जब राजा श्राप देने के लिए तैयार हुआ तो उसकी रानी दमयंती कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र है, क्रोध को त्याग देवें, जो भोग आपके भाग्य में लिखा है उसको भोगे। जो मनुष्य गुरु से हुंकार तुंकार करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है। स्त्री के वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचारने लगा कि क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस जल को जो ही अपने पैरों में डाला त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा कल्माषपाद के नाम से विख्यात हुआ। राजा गुरुजी के चरणों में पड़ गया और क्षमा मांगने लगा। तभी वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप तुमने अनजाने में हुआ है, अतः इसके श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा, इसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और अनेक वर्ष तक राजभोग कर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया। वह भूख प्यास से दुखी हो निर्जन वन में फिरने लगा। वहां से वह अनेक कष्टों को सहन करता हुआ नर्मदा के तट पर आया और वहां भी वह पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। संयोगवश एक दिन नर्मदा नदी के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित रमण करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथ में देखा तो राक्षस देहधारी राजा के आगे हाथ जोड़कर विनयपूर्वक बोली कि आप मेरे पति को मत मारो, आप वास्तव में राक्षस नहीं वरन सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रसह नामक राजा हो। मेरा पुत्र अभी बालक है, अतः मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी, अतः तो मेरे पति को प्राण दान दे दो, प्राण दान के समान अन्य कोई दान नहीं है।
उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे ही व्याघ्र एक मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही उस मनी को जो उस समय अपनी स्त्री के साथ मैथुन कर्म कर रहा था पकड़कर खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप दिया कि मैथुन करते हुए तुमने मेरे पति को मारा है, अतः तुम भी जब मैथुन करोगे मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और पुनः राक्षस देह धारण करोगे। यह दो श्राप सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोध में आकर कहने लगा कि हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के बदले में दो श्राप दिए हैं, अतः तुम भी पिशाचनी होकर इस वन में फिरती रहोगी। इस कारण वह स्त्री भी पिशाचनी हो गई और भूख प्यास से दुखित होकर उस वन में फिरने लगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट द्वारा देना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने अगले यानी 27वें अध्याय में, तब तक के लिए जय श्री राधे, श्री हरिदास।